हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर रहें। क्या रहें? रेगुलर रहें। और रेगुलर रहना अपने आप में एक तपस्या से कम नहीं है। जो बच्चा रेगुलर रह सकता है वो दुनिया की किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकता है, चाहे वो मेंटली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, वो बहुत आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो दुनिया के हार्ड से हार्ड एग्जाम को, टफ से टफ एग्जाम को फाइट कर सकता है, जीत सकता है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होती है वो रेगुलरिटी होती है। तो कभी भी किसी काम को आगे के लिए मत टालिए, कोशिश करिए कि टाइम टू टाइम उसको कर पाए और रेगुलर करें। ठीक है, हमारा जो लर्न विद रितिमन है उसके लोगो के नीचे भी लिखा हुआ है बी रेगुलर। तो आपको रेगुलर रहना है और ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको रेगुलर रहना है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। ठीक है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आपने पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का जो हिस्सा है ये यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा चपटा होता है, ये यहाँ से सीधा होता है, चपटा होता है। और यहाँ से चपटा होने की वजह से इसकी आकृति को हम क्या बोलते हैं, इसको जियोइड बोलते हैं। ठीक है, भू आब, भू आब बोलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। इसमें एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो इसने बात ही बातों में कह दिया वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो, हमारी पृथ्वी जो है वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इसी वजह से हमारा जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। अब सूरज इस साइड से उगेगा और इस साइड छिपेगा। कब छिपेगा? देखो, जब धरती ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी तभी तो छिपेगा। तो हम कहाँ पे हैं? देखो, ये कौन सा हिस्सा है, ईस्ट वाला, ये कौन सा है, वेस्ट वाला। जब धरती ऐसे घूमेगी, कैसे, ऐसे यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी, तभी तो सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ दिखाई देगा हमें, है ना। सूर्य उदय पूर्व में होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये कब संभव है? जब पृथ्वी का जो रोटेशन हो अपने अक्ष पर, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था घूर्णन काल, तो जो घूर्णन की जो दिशा हो पश्चिम से पूर्व की हो, तभी हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है।
इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कैसी है? बिल्कुल सेंटर से आपकी पृथ्वी को काटती है। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर आपकी धरती ऐसी गोल है और इसको अगर बिल्कुल सेंटर में से आधा करके इसको एक वृत्त से नाप दिया जाए, ठीक है, तो जो इस हिस्से को, ये कौन सा हिस्सा है आपको अच्छे से पता है, जो ऊपरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा जो बिल्कुल, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के बीच में जो आपकी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। और भूमध्य रेखा बिल्कुल सेंटर में होती है, तो ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध हम कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का। बात समझ में आई? 1/4 यानी 90 डिग्री का अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इसको जरा हम उसमें देख लेते हैं एक बार। तो अक्षांश वृत्त कहाँ है? अक्षांश वृत्त देखो, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा के समान अंतर पर एक लाइन और खींच दी जाए, फिर एक लाइन और खींच दी जाए, इस तरीके से आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो ये जो लाइनें हैं ये क्या हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं जो आपके विषुवत रेखा से समान अंतर पर खींची गई हैं। समानांतर रेखा मतलब समान अंतर पर, समान दूरी पर, ठीक है। तो हर 111.13 किलोमीटर पर एक अक्षांश वृत्त आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काल्पनिक रेखाओं में काल्पनिक अक्षांश वृत्तों के द्वारा धरती को विभाजित किया। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो विषुवत रेखा हो गई जो 0 डिग्री पे है, एक उत्तरी ध्रुव हो गया जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री उत्तर में, दक्षिण ध्रुव जो है वो 90 डिग्री दक्षिण में है, और इसके अतिरिक्त जो चार महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, और वो कौन सी हैं? देखो यहाँ पे एक तो आपकी एक कर्क रेखा रही, एक आपकी मकर रेखा हो गई, एक आपका दक्षिण ध्रुव व्रत हो गया और एक आपका उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। ठीक है, यह आपकी बिल्कुल, आपका क्या हो गया, यह आपकी भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। और भूमध्य रेखा के आप देख रहे हैं ऊपर एक डार्क सी लाइन दिखाई दे रही है, नीचे भी एक डार्क लाइन दिखाई दे रही है। तो ये जो डार्क लाइन है कौन सी, ये वाली, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो मकर रेखा होती है ना।
तो ये आपके 23.5 डिग्री पे होती हैं। लेकिन अंतर क्या है, ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है देखो, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे है या नहीं, देखो ये 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर मकर रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो मकर रेखा भी कहाँ पे है, हमारे बिल्कुल 23.5 डिग्री पे देखने को मिलती है ना, ये 23.5 डिग्री पे आपको दिखती हमको मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ है, आपका 23.5 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहाँ है, वो आपके 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लो सूरज है, और एक यहाँ पे हमारा जो सूरज होता है उसकी रोशनी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ही सीधी चलती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सूरज की रोशनी है वो सीधी यहाँ तक ही पहुँचती है। इसके आगे के जो हिस्से हैं, इसका आगे का जो हिस्सा है वो कैसा होगा, वो तिरछा होगा। यहाँ पे हमें कभी भी सीधी रोशनी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हमारी जो रोशनी है वो यहाँ तक तो सीधी पहुँचेगी, बट इसके आगे की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास तिरछी पहुँचने लगेंगी। यहाँ पे हमारे पास धरती पे कभी भी सीधी रोशनी नहीं पड़ती, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा इसके मध्य ही हमारे पास सीधी रोशनी देखने को मिलती है सूरज की। तो इसी वजह से ऐसा, अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी, और जब सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी तो आपको पता है सूरज की वजह से हमारी धरती काफ़ी गर्म रहती है, और तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हिस्सा गर्म होगा। ये हिस्सा कैसा होगा, गर्म होगा, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। आपने देखा कि कर्क रेखा से, और ये जो 66.5 डिग्री पर है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, ठीक है, और आर्कटिक वृत्त। इसी तरीके से नीचे की तरफ देखें, मकर रेखा से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो हमें मिलता है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो आपने देखा कर्क रेखा से भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंध था, भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक भी उष्ण कटिबंध था, तो फिर इसके आगे बात करें कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त की, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ेगी तो मतलब कुछ गर्म कुछ ठंडा, यानी शीत भी और उष्ण भी, और इसी वजह से इस हिस्से को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और ये देखो आपको एन एन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो इसलिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध इस हिस्से को बोला जाएगा। उसी तरीके से आपकी मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य वाले हिस्से को क्या बोल देंगे, आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध उसको बोला जाएगा। ये आपका उष्ण कटिबंध का हिस्सा हो गया, ये आपका उष्ण कटिबंध का हिस्सा हो गया, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध का हिस्सा हो गया। तो ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या होगा, तो आपको देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये आर्कटिक वृत्त के लेकर ध्रुव तक का हिस्सा है, या फिर नीचे की तरफ देखें तो अंटार्कटिक वृत्त से आपके दक्षिणी ध्रुव तक का जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती है जनरली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत या दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है।
आप समझ गए होंगे इस चीज को। बात करते हैं देशांतर क्या है, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर स्थान की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये क्या है, ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घटती चली जाएगी एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर जाके देशांतर रेखाओं के बीच में कितना गैप हो जाता है, शून्य हो जाता है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। देखो अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं ध्रुव की तरफ वैसे वैसे वो छोटी होती चली जाती है, उनका जो वृत्त है। और अक्षांश रेखाओं की विशेषता एक और है कि ये वृत्ताकार होती हैं, लेकिन तो जो देशांतरी रेखाएं वो अर्धवृत्त वृत्ताकार होती हैं, आधे वृत्त के समान होती हैं। और जैसे जैसे अक्षांश की रेखाओं के बारे में बात करें तो वो आपस में बिल्कुल समान अंतर पर स्थित होती हैं, लेकिन देशांतरी रेखाओं को जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे उनके बीच का गैप जो होता है वो शून्य हो जाता है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जो ग्रीनविच लाइन भी बोलती जाती है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये जो आपकी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये क्या हैं? ये आपकी हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है? ये देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाओं की हम बात करते हैं तो इसमें आपको एक चीज और देखनी है, वो क्या? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़े, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और वहां पर जैसे ध्रुवों पर पहुंचते हैं तो ये शून्य हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, इनके बीच में गैप होता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा गैप हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमें भूमध्य रेखा पर देखने को मिलेगा, इन दोनों लाइनों के बीच में, है ना? और जब फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पे भी यही होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वो कितनी हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। यानी हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया जिसको प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्यान रेखा तो ये सेंटर हो गई, यानी 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया इसको, और इससे हम इस साइड चले, किस साइड? इस साइड की तरफ चलेंगे तो हम देखते हैं कि ये देखो ई ई लिखा हुआ है, ई का मतलब ईस्ट, पूर्व, है ना? तो हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो पूर्व इस तरीके से हम बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं तो हमारे पास 180 ईस्ट वाली रेखाएं मिलती हैं हमें, 180, ठीक है, जिसको 180 रेखांश कहा हमने। उसके बाद हम बात करते हैं 0 डिग्री से इस साइड बढ़ें, पश्चिम की तरफ बढ़ें, तो पश्चिम की तरफ भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 180 मिलती हैं। और ये किससे आके मिल जाती है? ये पूर्व के 180 डिग्री वाले से पश्चिम की 180 डिग्री वाली, ये दोनों एक ही होती हैं, है ना? तो पूर्व से आओ या पश्चिम से आओ, 180 डिग्री यही रहेगा। उसी तरीके से 0 डिग्री भी दोनों के लिए यही रहेगा। तो ये रेखाएं एक्चुअल में कर क्या रही हैं? ये धरती को भी
जैसे विषुवत रेखा ने ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांट दिया, उसी तरीके से ये धरती को, ये वाली जो रेखा है, ये धरती को आपके पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में बांटेगी? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में ये बांट देती है। तो हमने देखा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं आगे। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामी तरंगों द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को कै खै गै घैण अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अब ए बै सै दै तथा धै नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी डिग्री अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। तो देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस छोटे से डायग्राम की। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी 180 डिग्री की आपके देशांतरी रेखा है जो आपकी क्या बताती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताती है। इसको तिथि रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके इस साइड में अगर हम बात करें तो तिथि अलग है यानी डेट अलग है और इस साइड डेट अलग है, लेकिन टाइमलाइन कौन सी है, वो 0 डिग्री वाली है जिसको हम ग्रीनिश लाइन बोलते हैं, जो इंग्लैंड से होकर निकलती है और ये ग्रीनिश लाइन है। तो टाइम का निर्धारण किससे होता है, टाइम का निर्धारण आपके ग्रीनिश लाइन से होता है। टाइम का निर्धारण किससे होगा, आपके ग्रीनिश लाइन से होगा, लेकिन आपकी जो टाइम का लेकिन जो डेट का निर्धारण है वो आपके क्या होगा, तिथि रेखा से निर्धारण होगा, वो आपकी तिथि रेखा से निर्धारण होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बात करें समय की, तो जब यहाँ से 5.5 घंटे आगे का टाइम किसका है, हमारे भारत देश का है। ठीक है, तो हमारे भारत देश का अब कैसे हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे, सुबह के 5:30 बज गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 9 तारीख हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, 8 तारीख होगी। इस पूरे क्षेत्र में क्या होगा, 8 तारीख होगी। क्यों, क्योंकि तिथि रेखा तो ये है, तिथि रेखा तो ये है, तो यहाँ से तिथि चेंज होती है लेकिन यहाँ से समय चेंज होता है। और समय कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम देख चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ टाइम होगा आगे बढ़ता जाएगा और इस साइड से ग्रीन लाइन से पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा, है ना। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देशांतर और समय, इसके बारे में बात करें तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिश पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिश के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिश समय से आगे होगा जो पश्चिम में है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से इन सेंटेंस को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है हमें पता है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ग्रीनिच के
इस साइड में है उनका समय ग्रीनिश समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। क्यों? क्योंकि देखो पूर्व में है तो उसका समय आगे होगा और पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। जरा विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग कितने समय में चक्कर काटती है? 24 घंटे में। अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि एक चक्कर पूरा करेगी तो 360 डिग्री हो जाएगा, अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमी? 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिश में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिश से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 तो 60 मिनट हो गई, मतलब 1 घंटा आगे का समय होगा उस पर। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी देशांतरीय तौर पे, वैसे वैसे हम समय बढ़ाते जाएंगे, यानी हर एक डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो आपके जब टोटल 360 डिग्री पूरी होती है तो आपके पूरे 24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो लेकिन ग्रीनिश से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिश समय से 1 घंटा पीछे होगा। क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिश पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपकी जो ग्रीनिश लाइन है वो सेंटर लाइन है एक तरीके से टाइम लाइन की। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय या मतलब पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्या जरूरत है कि मानक समय माना जाए? क्यों हम एक ही समय को लेकर नहीं चल सकते? तो उसका कारण क्या है? देखो अब मान लीजिए ये भारत की ही बात करें, भारत की बात करें तो ये 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक विस्तारित है। अब यहाँ पर सूर्योदय पहले हो जाएगा, यहाँ पर बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पे सूर्यास्त है वो जल्दी होगा और यहाँ पे लेट होगा। तो इस स्थिति में समय के जो स्थितियां होगी, आप कोई सुबह 4:30 बजे उठ रहा है तो भी वो बहुत जल्दी उठ पा रहा है और उसको लग रहा है कि भाई मैं तो, और यहाँ पे कोई 4:30 बजे उठ रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं आधी रात में उठ गया। तो दोनों में अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि समय अगर समान नहीं होगा, समय को अगर एक बैलेंस तरीके से ना रखा जाए तो स्थितियां खराब हो जाएंगी, समय अनुकूल प्रॉपर नहीं रहेगा, चीजें अव्यवस्थित होने लगेंगी। तो इसलिए ऐसा किया गया कि एक निश्चित क्षेत्र को एक पर्टिकुलर टाइम लाइन से डिसाइड किया जाने लगा। यानी अब हमारे भारत के अंदर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व का जो स्थान है उसको मानक यामोत्तर कहा जाता है, यानी इस पे जो समय इस वक्त हो रहा होता है उसी को पूरे भारत में लागू किया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरे भारत में सभी काम बहुत आसानी से और व्यवस्थित रूप से किए जा सकेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्थानीय समय के मानक को माने। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इससे क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, अगर स्थानीय समय को ना मानकर हम एक पर्टिकुलर मानक समय को ना मानकर पूरे भारत देश में अलग अलग जो देशांतर है उनके आधार पर समय का निर्धारण करने लगे, तो हमारे जो, देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है गुजरात का द्वारका, गुजरात का जो द्वारका है और असम का डिब्रू, उसमें 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे में चीजों को व्यवस्थित करना, ये बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जैसे रेलगाड़ी है उसी का ही टाइमलाइन सेट करना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी और ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा कि इन सभी चीजों को इतना व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। इसलिए ये जरूरी होता है कि स्थानीय क्षेत्र का एक मानक समय मान लिया जाए। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व
यानी 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वे अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो इस चीज का आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि तो वहां का जो मानक समय है और हमारे मानक समय के बीच में डिफरेंस निकालकर इस चीज को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो भारत ग्रीनविच के जो पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में उसे 5.5 घंटा आगे होगा, तो कितने बजेंगे? 7:30 बज जाएंगे शाम को। तो कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि जो रूस है उसका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रूस के अंदर कितने मानक समय को माना जाता है। तो इसमें 11 मानक समय हैं, जो सबसे ज्यादा मानक समय किसमें देखे गए हैं? रूस के अंदर माने जाते हैं, जो 11 मानक समय है। तो पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और इसी के साथ आपका होता है इस चैप्टर समाप्त। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी का सही आकार कैसा है? तो हमें पता है वो कैसा है बेटा, वो आपका जियोइड है, यानी भू आब है। कैसा है? भू आब है, भू आब, जिसको हम भू आब कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चपटा भाग देखने को मिलता है ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ग्लोब क्या है? ये प्रतिरूप है उसका, जो वास्तविक आपकी पृथ्वी है उसका प्रतिरूप है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो 23.5 डिग्री है, लेकिन कितना? उत्तर की तरफ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कौन से हैं? तो देखो आपका बीच में तो आपका उष्ण आता है, फिर आपका शीत और उष्ण मिलके शीतोष्ण बन जाता है, और फिर लास्ट में आपका कौन सा आता है? शीत कटिबंध आ जाता है ना। तो आपके तीन कटिबंध हो गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो देखो अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग अलग हम देख चुके हैं। जो आपके विषुवत रेखा है उसके समानांतर जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसको समानांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं है जो हैं वो आपकी विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर खींची गई हैं, और ये जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ती जाती है इनके बीच में गैप कम होता चला जाता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की है विस्तृत रूप में। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी के उष्ण जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र पड़ता है, जो सूरज है उसकी जो सीधी रोशनी है बस इन्हीं क्षेत्रों के बीच में सीधी पड़ती है, बाकी आगे के क्षेत्रों में टेढ़ी किरणें प्रकाश की पड़ती हैं, तो इस वजह से इतना प्रकाश वहां नहीं पहुंच पाता है। तो उसकी वजह से जो ऊष्मा क्रिएट होती है वो भी उतनी नहीं पहुंच पाती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि जो दोपहर के 12 बजने का मतलब क्या हो गया कि आपका दोपहर का 12 बजने, तो इसका मतलब क्योंकि वो ग्रीनिश लाइन पे स्थित है तो वहां से 5.5 घंटे आगे का समय भारत का मानक समय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे अगर 12 बज रहे होंगे तो उससे 5.5 घंटे आगे का समय क्या होगा? शाम के 5:30 होगा, और इसी वजह से भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यामोत्तर का मान क्या होगा बेटा? वो 0 डिग्री होगा। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है।
देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या जो है एक 360 डिग्री है, वो सॉरी 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, तो हम जानते हैं कि वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, ठीक है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक यामी उत्तर कितना है? तो 82.5 डिग्री आपका है पूर्व में, जो कि 5.5 घंटे का समय बताता है। 0 डिग्री यामी उत्तर को के नाम से जाना जाता है, प्रमुख यामी उत्तर लाइन या प्रमुख यामी उत्तर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है देशांतर, वैसे वैसे उनके बीच की जो गैप है वो कम होता चला जाता है, ध्रुव पे जाके बिल्कुल शून्य हो जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा और निश्चित रूप से आपको आंसर भी ये सारे आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ होता है आपका ये चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।